खरगोन जिले के सेल्दा में बेरोजगार युवाओं ने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें युवाओं ने सेल्दा स्थित एनटीपीसी पावर प्लांट के अधिकारियों की शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने कहा कि कंपनी बाहरी लोगों को रोजगार दे रही है, जबकि स्थानीय युवाओं को नज़रअंदाज कर रही है। कंपनी नेताओं के दबाव में उनके लोगों को रोजगार दे रही है। कोरोना काल में हमारी स्थिति दयनीय हो गई है और एनटीपीसी स्थानीय शिक्षित युवाओं के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। हमारी मांगे पूरी न होने पर हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। किन मांगों को लेकर आपने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया? हम ग्राम खेती के हैं, बेरोजगार संघ तो मतलब हमको प्रभावित लोगों को लगा नहीं रहे, स्थानीय लोगों को और जो बाहर से आ रहे हैं। कहाँ नहीं लगा रहे हैं? क्या कहाँ नहीं लगा रहे हैं? एनटीपीसी पावर प्लांट में हम बेरोजगार हैं। तो आपने क्या मांग करी? हमने हमको काम दो, रोजगार दो, हमारी मतलब जमीनें गई। बाहरी लोगों को रोजगार दे रहे हैं और हमको मतलब स्थानीय लोगों को लगाने लगे और नेता जैसे कि सिफारिश नेताओं की सिफारिश से लगा रहे हैं, बल्कि हमको नहीं लगा। मैंने यही मांग करी, हमको रोजगार मिले। हम लॉकडाउन में हालत ख़राब हो गई है हमारी। कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? खेड़ी बुजुर्ग। मेरा नाम महेंद्र कोठारे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।